नमस्कार फ्रेंड, मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम टिकोमा प्लांट के बारे में बात करेंगे कि नर्सरी से लाए हुए टिकोमा प्लांट को रिपोर्ट कैसे करें कि आपका प्लांट मरे नहीं और ख़राब ना हो। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड, वैसे तो टिकोमा प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है, पर हमें लगाने में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है या मर जाता है। तो इसीलिए मैं आपको एक ऐसे मेथड बताऊंगा कि जिससे आप प्लांट को ग्रो करेंगे तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा और मरेगा नहीं। तो सबसे पहले उसकी सॉइल मिक्स की बात कर ले, तो इसके लिए मैंने सॉइल मिक्स लिए, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने 60% गार्डन सॉइल डाली है और ये 30% के आसपास मैंने रिवर्स एंड ली है और 20% गोबर की खाद। गोबर की खाद मेरी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है। आप गोबर की खाद कोई भी प्लांट में डाल रहे हो तो अच्छी सी सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, क्योंकि नई खाद होगी तो उसके फंगस का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए सड़ी हुई गोबर की खाद डालिए, और रेत डालने से और रिवर्स एंड ये डालते इससे इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। हमारी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन हो जाती है, इसमें पानी ज़्यादा रुकता नहीं है। तो गमले में हम प्लांट लगाते हैं, जो भी प्लांट, तो अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी चाहिए। मेरे जितने भी प्लांट लगाता हूँ अच्छे से वेल ड्रेन मिट्टी में ही लगाता हूँ, क्योंकि गमले में पानी ज़्यादा रुकेगा तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और इसमें मैं एक मुट्ठी डेढ़ मुट्ठी बराबर डालूँगा वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए, मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर डालूंगा, क्योंकि बारिश की सीज़न है। बारिश तो हो नहीं रही, कभी कभी बारिश हो जाती है थोड़ी सी, फिर बाद में धूप निकलती है, पर ऐसे में फंगस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर इसमें डाल दूंगा। ये देखिए, ये मैंने एक चम्मच के बराबर फंजीसाइड पाउडर डाल दिया है। और आपके पास अगर नीम खली हो तो आप थोड़ी सी नीम खली इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि नीम खली भी बहुत अच्छी रहती है प्लांट्स के लिए। तो देखिए, ये मैंने घर पे ही बनाया, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हो, इससे भी अपनी मिट्टी अच्छी बनी रहेगी और इसमें कीड़े मकोड़े आने की या ख़राब करने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टिकोमा प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है, पर अगर लगाने में थोड़ी सी गलती हो जाए तो हमारा पूरा प्लांट मर जाता है, क्योंकि एक बार हमने लगा दिया प्लांट तो सर्वाइव कर जाए, उसके बाद में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, बहुत आसानी से चल जाता है। पर लगाते समय थोड़ी सी सावधानी हम रख ले और इसकी मिट्टी अच्छी बना ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस इसी तरह हम इसको मिक्स कर देते हैं पूरा। ये देखिए, मैंने ये 12 इंच का पॉट लिया है, इसी में इस प्लांट को रिपोर्ट करूँगा। सबसे पहले ड्रेनेज होल बंद ना हो उसके लिए ये ठिकरी रख देता हूँ। आप दिए का टुकड़ा या कुछ भी ऐसा रख सकते हो, ठिकरी रख के इसके बाद इसमें नीचे रेत मिट्टी सॉइल मिक्स बनाए वो डाल देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ तक मिट्टी भर ली है, अब इसके अंदर प्लांट लगाएंगे। ये वाला प्लांट निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्लांट पूरा बाहर निकाल लिया है, और इसकी चिकनी मिट्टी नहीं है ये प्लांट, इतनी चिकनी मिट्टी में नहीं लगा हुआ है, तो इसकी रूट ज़्यादा मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, क्योंकि मौसम ऐसा चल रहा है, अभी धूप इतनी निकल रही है और बारिश भी नहीं आ रही है। अब ऐसे टाइम में मैं पूरी रूट्स निकाल दूंगा इसकी, तो मेरा प्लांट ज़्यादा जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, बस ऐसे ही। मैंने देखो फंगिसाइड पाउडर भी डाल दिया है, क्योंकि फंगस का चांस भी बहुत हो जाता है, इस टाइम प्लांट ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हमें। तो बस ऐसे ही प्लांट को अंदर रख देंगे। ये देखिए, बस थोड़ा दबा के अच्छे से सेट करके बस अब मिट्टी भर देनी है हमें। ये देखिए, ये मैंने मिट्टी भर दी है ऐसे दबा के, ऐसे प्लांट को ऐसे बीच में रख के ही आपको मिट्टी भरनी है और अच्छे से सेट कर लेनी है मिट्टी, ताकि आपका प्लांट हिले नहीं ज़्यादा। आपको इस सीज़न में ज़्यादा रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, प्लांट नर्सरी से लाए
तो ज़्यादा मिट्टी मत निकालिए, मिट्टी निकाल रहे हो तो थोड़ी सी कम, थोड़ी सी मिट्टी रहने ही दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बारिश हमारे यहाँ तो इतनी हो नहीं रही है, इतने प्लांट गर्मी से झुलस रहे कि क्या बताए। और इसको पानी अच्छे से एक बार पानी दे के शेडी एरिया में रख देना है, क्योंकि 4-5 दिन शेडी एरिया में रहेगा तो इसकी रूट्स अच्छे से सेट हो जाएगी और हमारा प्लांट आसानी से 100% सक्सेसफुली सर्वाइव कर लेगा और हमारा प्लांट चल जाएगा। ये टिकोमा बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें बहुत गुच्छे में फ्लावर आते हैं और खूबसूरत दिखते हैं, इसमें ब्राउन कलर के फ्लावर आते हैं और देखिए ये बहुत बूसी बन जाता है प्लांट, छोटा सा ट्री बन जाता है, हम इसे अगर शेप दे दे तो आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कीजिए फ्रेंड, बहुत खूबसूरत लुक देगा आपको आपके गार्डन में। और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।